चैत्र कृष्ण पक्ष 2077 ध्यान दीजिएगा, चैत्र कृष्ण पक्ष चंद्रमा का अनुसार नया साल का शुरुआत हो जाता है, होली हो गया चैत्र का शुरू। लेकिन आपको पंचांग का सत्र जो बोलता है, एक अप्रैल से जो सत्र चलता है, वो लगभग आपको चैत्र कृष्ण पक्ष आधार पर सामान्यतः औसत है ना, हर साल में जाना होता है, ये औसतन मान के चलते लगभग होता है। तो जब तक चैत्र के पक्ष अमावस्या समाप्त नहीं होता है, तब तक संवत 2077 रहेगा और संकल्प में प्रमादीय चलेगा और उसके बाद शुक्ल पक्ष चल जाएगा तो संवत 2077 हो जाएगा और उसके बाद वाला संवत आनंद है। तो समस्या का अभी चले जाए, अभी आपको ही रहेगा। तो दसवीं मंगलवार हो गया, तो दसवीं तिथि रात्रि के शेष में 4:30 बजे पौने 5 बजे तक रह जाएगा और सर्वना नक्षत्र भी रात्रि शेष 5 बजे। तो सर्वना नक्षत्र भी अच्छा नक्षत्र है और तिथि भी पूर्णा तिथि दसवीं अच्छा है। मंगलवार थोड़ा सा खराब माना जाता है शुभ काम के लिए, उग्र काम के लिए, शुभ काम के लिए ना, वो सब काम के लिए, और जनरल सामान्यतः शुभ काम के लिए मंगलवार ठीक है नहीं, लेकिन उग्र कर्म करने के लिए है ना, वैसे काम के लिए शुभ। परंतु पूर्णा तिथि सर्वना नक्षत्र तिथि सबके लिए शुभ, इनके लिए भी और सीधे योग है। शाम को 6:13 सीधे योग है, यानी कि जिस तरह के काम आप करते हैं वो जाता है सिद्धि में। बॉब कारण विष्णु योग है तो अच्छा नहीं है, विष्णु योग लुम्बक योगा भी अच्छा नहीं है। अप्रैल हो जाता है 6 अप्रैल 2021 9 तारीख होता है सूर्य के अनुसार 10 तारीख और राष्ट्रीय आपको 16 तारीख में चंद्रमा मकर राशि पर रहेंगे। तो मकर राशि वाले के लिए मेरे अनुसार क्योंकि चंद्रमा या शनि जब चंद्रमा जल के देवता 75% जल देहनी मघवा मनवा के मलिक आ उस पर शनि जो है सो सवार होकर के उसको तैयार हम जो कहेंगे वही करना है तेरे है ना। इस तरह से चंद्रमा जो है सो शनि के घर और ज़्यादा से वो कमजोर हो जाते हैं और वो अच्छा काम अच्छा वो चंद्रमा जो है शनि के पास है ना, और यार के सामने कमजोर है कुछ नहीं सकते, यहाँ शनि जो है सो बढ़िया रहते हैं, शनि का ही रहता है चंद्रमा अच्छा, इसलिए चंद्रमा कमजोर होने के कारण कुंभ राशि और मीन राशि के मेरे अनुसार चलेगा। और ऐसे सामान्यतः नियम बढ़िया होता है मान के चले बढ़िया, लेकिन मेरा ही नहीं बात रहेगा। वैष्णवा नाम एक आशीर्वाद ना, वैष्णव समाज के लिए एक आशीर्वाद नहीं, दसवीं न है भद्रा जो है सो दिन में शाम में 4 बजे तथा 4:15 बजे के बाद से भद्रा आएगा और रात्रि से 4:45 बजे लेकिन सो भद्रा का दिवस है क्योंकि पताल हो गया है घर पर, इसलिए इसमें भद्रा का दोष नहीं है। और वृद्ध अंगारक पर्व बुढ़वा मंगल इति लोक प्रसिद्ध, मंगलवार है ना, होली के बाद का मंगलवार है तो आपको इससे पहले ही आपको हो जाता है, लेकिन बुढ़वा मंगल तो कहलाता है होली के बाद का मंगल आपको इसी दिन, इसीलिए इसको बुढ़वा मंगल कह दिया गया, माने कि होली का बुढ़वा हो गया होली समाप्त। यही आपको चैत्र शुक्ल पक्ष दशमी का पंचांग है 6 अप्रैल का।
कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए।